नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी यूपी जॉब से संबंधित सबसे तेज़ अपडेट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आखिर क्या परिवर्तन किए हैं अपने नियमावली में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है, जिसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। अखिलेश सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए लिखित परीक्षा को समाप्त कर दिया था और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों और दौड़ के आधार पर ही भर्ती करने का निर्णय लिया था और 2016 में 34,716 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, परंतु योगी सरकार ने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में फिर से बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नई भर्ती प्रक्रिया नियमावली में किए गए बदलाव कुछ इस प्रकार हैं। नंबर एक, भारत में विद द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष पास होना आवश्यक होगा। 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जो बहुविकल्पीय, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि आदि से प्रश्न आएंगे। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी होगा। मित्रों, आइए जानते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक योग्यता क्या तय की गई है। ऊंचाई सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तय की गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होगी। सीना सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 77 और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। मित्रों, ये जानते हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है। ऊंचाई सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई तय की गई है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना आवश्यक है। वजन महिलाओं का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं, आइए ये भी जानते हैं। मित्रों, पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो मित्रों, ये थे वो परिवर्तन जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए। इसके अतिरिक्त यूपी से जुड़ी किसी भी जॉब संबंधित जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर शुरू या लास्ट में स्क्रीन पर चलेंगे, आप उन पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये फ़ोन सुबह 8 से 10 के बीच में और रात को 8 से 10 के बीच में ही करना है। इसके अतिरिक्त आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ, अगर आप हमारे माध्यम से यूपी पुलिस या यूपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहां आपको मिलेगा बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल जो आपकी परीक्षा को क्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आपको अपना नाम व एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, जिसके पश्चात आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिए जाएंगे। तो आपको अपना नाम व एड्रेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सेंड करना होगा, जिसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लड़कों के लिए अलग ग्रुप की व्यवस्था है और लड़कियों के लिए अलग ग्रुप की व्यवस्था है, तो किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको हमारे ग्रुप से ऐड होना है तो इस नंबर पर प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं मित्रों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। अपने मित्रों को, अपने जानने वाले को हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उसे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो और वो भी हमारे ग्रुप से जुड़कर अपनी स्टडी को बेहतर बनाए। तो मित्रों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अगर हमें आप हमारे पास फ़ोन करने के लिए जो समय बताया गया है 8 से 10 के बीच में ही फ़ोन करेंगे, इसके अतिरिक्त आपका फ़ोन किसी भी स्थिति में रिसीव नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।